हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर इम्तियाज़ और आपका मेरे ट्रू हेल्थ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टोन्सिलाइटिस के बारे में कि हमें इसका ट्रीटमेंट किस तरह से करना है। लेकिन शॉर्ट में पहले टोन्सिलाइटिस के बारे में सारी जानकारी कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे गले में टोन्सिल होते हैं, दोनों साइड में होते हैं और ये बहुत ज़रूरी भी होते हैं क्योंकि ये इन्फेक्शन से लड़ते हैं और हमें बहुत सारे इन्फेक्शन से बचाते हैं। ये एंटीबॉडी भी बनाते हैं जिसके ज़रिए इन्फेक्शन से फाइट की जाए, लड़ा जाए। लेकिन कभी कभी क्या होता है बहुत से लोगों के साथ कि ये टोन्सिल खुद ही इन्फेक्टेड हो जाते हैं बैक्टीरिया या वायरस की वजह से, और इसी वजह से ये इसमें गले में टोन्सिल सूज जाते हैं और जिसको टोन्सिलाइटिस बोला जाता है। अगर हम बात करें कि टोन्सिलाइटिस कितने टाइप्स के होते हैं तो ये दो टाइप्स के होते हैं, एक्यूट टोन्सिलाइटिस और क्रोनिक टोन्सिलाइटिस। जो एक्यूट टोन्सिलाइटिस होते हैं ये 3-4 दिन से लेके मतलब कि 2 हफ्ते तक रह सकते हैं, और क्रोनिक टोन्सिलाइटिस जो होती है लंबे समय तक इसमें इन्फेक्शन रहता है। हम बात करें अगर इसके कारण की, तो देखिए मैं आपको बता दूं, ये बैक्टीरिया और वायरस दोनों की वजह से टोन्सिलाइटिस हो जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमन होता है स्ट्रेप्टोकोकस, बैक्टीरिया की वजह से ये सबसे ज़्यादा टोन्सिलाइटिस देखने को मिलता है। इसके अलावा बहुत सारे वायरस की वजह से भी टोन्सिलाइटिस हो जाते हैं, जैसे हो गया एडिनो वायरस, और इसके अलावा भी बहुत सारे वायरस होते हैं। अगर हम बात करें कि इसमें क्या क्या परेशानियां देखने को मिलती हैं, क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, तो देखिए इसमें बहुत सारे लोगों को क्या होता है, गले में दर्द देखने को मिलता है, टोन्सिल में सूजन देखने को मिलती है, खाने पीने में बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है, तेज़ बुखार भी आ जाता है, कान में भी दर्द देखने को मिलता है। बहुत सारे लोगों के साथ में क्या होता है कि उनका जबड़ा और गला दोनों जगह पर सूजन आ जाती है, और कभी कभी जब टोन्सिलाइटिस में ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है तो टोन्सिल के आसपास स्पर्श जमा हो जाता है, जिसको पेरिटोन्सिलर एब्सेस भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हैं इसके कुछ लक्षण, और इसमें ठंड के साथ में बुखार देखने को मिलता है, ये कुछ लक्षण हैं जो टोन्सिलाइटिस में देखने को मिलते हैं। अब बात करें अगर हम इसके डायग्नोस की, कि इसको किस तरह से डायग्नोस करना है, तो दोस्तों इसको फिज़िकल एग्जामिनेशन करके इसका पता लगाया जा सकता है, साथ में CBC ब्लड टेस्ट के ज़रिए और स्वैब थ्रोट के ज़रिए कि कौन सा बैक्टीरिया है, इनके ज़रिए भी इसकी पहचान की जाती है। अगर हम बात करें टोन्सिलाइटिस के ट्रीटमेंट की, तो दोस्तों आप इसमें गार्गल यूज़ कर सकते हैं, बीटाडीन यूज़ कर सकते हैं, और आप बीटा काइंड यूज़ कर सकते हैं, वोगाडाइन गार्गिल यूज़ कर सकते हैं दिन में 2-3 बार। साथ में अगर हम बात करें एडल्ट ट्रीटमेंट की, तो देखिए दोस्तों इसमें आप एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट यूज़ कर सकते हैं 12 mg पर किलोग्राम पर डे के हिसाब से। मैक्सिमम डोज आप ले सकते हैं 500 mg ओडी डोज में 5 दिन तक, या आप ले सकते हैं दूसरा रॉक्सीथ्रोमाइसिन 150 mg सुबह शाम 5 दिन। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा बुखार अगर आपको है तो उसके लिए आप पैरासीटामोल यूज़ कर सकते हैं। ठीक, और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर टोन्सिल में टोन्सिल के आसपास पस जमा हो गया है, जिसको पेरिटोन्सिलर एब्सेस बोलते हैं, तो इसके लिए आपको अपने सर्जन से इसके बारे में ज़रूर राय लेनी चाहिए। देखिए दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि देखिए टोन्सिल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि ये इन्फेक्शन से हमें बचाते हैं, लेकिन कई बार ज़्यादा इन्फेक्शन होने की वजह से सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ जाती है, जिसको टोन्सिलेक्टोमी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।